ग्वालियर में व्यवसायी को यूनिवर्सिटी थाना इलाके में स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में छह आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी रजिस्ट्री थमाकर 50 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। वहीं पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर चारों आरोपियों पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी मृगाखी डेका ने बताया कि पंडित बिहार कॉलोनी में रहने वाले श्याम यादव व्यवसायी हैं, तो उनकी मुलाकात खूबचंद वर्मा, संतोष कुशवाहा, विजयपाल, अमित और विकास से हुई थी। वहीं आरोपी ने श्याम यादव को बताया था कि उसकी एक बहन की जमीन अच्छी लोकेशन में है, यदि वह चाहे तो उसे खरीद सकता है। वहीं खूबचंद की बातों में आकर श्याम यादव ने प्लॉट देखने को तैयार हो गए। प्लॉट के अनुबंध के समय श्याम यादव ने खूबचंद और उसके साथ आए चार लोगों को 50 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए, लेकिन चार दिन पहले व्यवसायी को पता चला कि जिस जमीन का सौदा उन्होंने किया है उसी जमीन का सौदा कर इन लोगों ने किसी अन्य व्यक्ति से धोखाधड़ी की है। अपने साथ ठगी का पता चलते ही व्यापारी विश्वविद्यालय थाने जा पहुंचा और इसकी शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने व्यवसायी की शिकायत पर छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ऐसे केसेस हमारे पास काफी कॉमन है जिसका हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मेन मुजरिम है उन तक पहुंचे। तो वो लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री के नाम पे पैसे ले लेते हैं लेकिन मेन एग्रीमेंट पेपर साइन करा लेते हैं, या फिर काफी बार जो फरियादी है वो आरोपी को विश्वास में लेते हैं और बिना रजिस्ट्री ऑफिस में जाके ही वो उन पे भरोसा करते हैं कि वो लोग सब करवा देंगे बोल के पहले ही चेक या पैसे सब कुछ दे देते हैं, पेपर वर्क बाद में आती है। तो इसी लाइन पे दोबारा धोखाधड़ी हुआ है।